मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। 400 साल पहले एक महापुरुष इस पृथ्वी पर आए। पद्मा नदी के किनारे राजा कृष्णानंद के महल में उनका जन्म हुआ। कई वर्षों से राजा और रानी की दिल में पुत्र को पाने की चाह थी। वे चाहते थे उनका कोई वारिस हो जो राजा की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठे। फिर एक दिन संत नित्यानंद जी राजा के महल में आए और राजा तथा रानी को पुत्र प्राप्त करने की करने का आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से राजा और रानी के यहाँ नरोत्तम का जन्म हुआ। नरोत्तम दिखने में सुंदर थे। उनका शरीर कोमल और आंखों में अनोखी चमक थी। नरोत्तम शब्द का अर्थ है पुरुषों में उत्तम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम और इस कृष्ण भक्त का नाम था नरोत्तम। बचपन से ही नरोत्तम का मन प्रभु में ही रहता था। उन्हें अन्य किसी बात में रुचि थी ही नहीं। उनके माता पिता चाहते कि नरोत्तम राजकुमारों की तरह सुंदर चमकीले वस्त्र पहने, गहने पहने, किंतु नरोत्तम का दिल इन बातों में लगता ही नहीं था। वे तो चुपचाप महल के एक कोने में बैठकर श्री कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। गोविंदा गोपाला राधे कृष्ण हरे। गोपाला राधे कृष्ण हरे, गोविंदा गो।
प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे जैसे नरोत्तम आयु में बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे उनके मन में वैराग्य भी बढ़ने लगता है। नरोत्तम की वैराग्य वृत्ति देखकर राजा को डर लगता है कि कहीं नरोत्तम महल छोड़कर चला न जाए, इसलिए राजा महल में सारे सुखों की चीज़ों का प्रबंध कर देता है और साथ ही साथ महल के बाहर कड़ा पहरा लगा देता है। एक रात नरोत्तम सपना देखते हैं। सपने में वे श्री चैतन्य को देखते हैं। सपने में नरोत्तम श्री चैतन्य के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब श्री चैतन्य उनसे कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ शिक्षा ग्रहण करो। जब नरोत्तम की आँख खुलती है तो उन्हें अपना सपना याद आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार संत हमें सपनों में आकर संदेश देते हैं। नरोत्तम को अपना सपना अच्छी प्रकार याद था, वह रोने लगता है। सुबह सवेरे माँ जब उन्हें रोता हुआ देखती है तो वह कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? नरोत्तम क्या कहे, इसके दिल में तो वृंदावन जाने की प्यास थी, अब वृंदावन जाए कैसे? महल के प्रवेश द्वार पर तो कड़ा पहरा था। नरोत्तम को बार बार सपने वाली बात याद आती है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। नरोत्तम चुपचाप आंसू बहाते रहते हैं। एक रात नरोत्तम देखते हैं कि सारे पहरेदार सो रहे हैं। वे अपने माता पिता के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि वे दोनों सो रहे हैं। वे चुपचाप अपने माता पिता के चरणों में शीश झुकाते हैं और दबे पांव महल से बाहर आ जाते हैं। उस समय नरोत्तम की आयु केवल 16 वर्ष थी। वे आयु में छोटे थे किंतु उनके भीतर प्रभु को पाने की प्यास बहुत गहरी थी। अब नरोत्तम वृंदावन के लिए अकेले ही चल पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आध्यात्मिक मार्ग में एक एक साधक को अकेले ही कदम बढ़ाना है। नरोत्तम तो वृंदावन जाने का रास्ता नहीं जानते थे, किंतु उनके मन में विश्वास था। जिसने उन्हें सपने में आकर वृंदावन जाने की बात कही है, वही उन्हें रास्ता भी दिखाएंगे। इसी विश्वास से नरोत्तम वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। वे लोगों से पूछते पूछते आखिर वृंदावन पहुंच जाते हैं। यात्रा के कारण उनके कपड़े फट गए, सारा शरीर धूल से लथपथ हो गया, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वृंदावन पहुंचकर उनके दिल की उमंग और भी बढ़ जाती है। वृंदावन तो पहुंच गए, पर प्रश्न यह कि वृंदावन में रहेंगे कहाँ? किंतु नरोत्तम के मन में आस्था थी। वे कहते हैं, जो मुझे यहाँ लाया है वही मेरी देखभाल भी करेगा। उस समय वृंदावन इतना बसा हुआ नहीं था, चारों ओर वन ही वन था। तभी नरोत्तम को एक व्यक्ति नजर आता है। वे उस व्यक्ति से कहते हैं, कोई है जिसके पास मुझे रहने की जगह मिल जाए? तब व्यक्ति कहता है, यहाँ एक आदमी है जो सारा समय श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहता है। तब नरोत्तम पूछते हैं, उनका नाम क्या है? व्यक्ति कहता है, उनका नाम है लोकनाथ। यह सुनकर नरोत्तम मन ही मन कहते हैं, मुझे लगता है ये ही मेरी देखभाल करेंगे। वे लोकनाथ की कुटिया में आते हैं और उनके चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब लोकनाथ नरोत्तम को कौन सी शिक्षा देते हैं? सभी संतों की एक ही शिक्षा है, प्रभु का स्मरण और गरीबों की सेवा। प्रभु का स्मरण और गरीबों की सेवा।
लोग परमात्मा को पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए ये दो बातें जरूरी हैं, प्रभु का स्मरण और गरीबों की सेवा। प्रभु का स्मरण और गरीबों की सेवा। जो प्रभु का स्मरण नहीं करता उसके मन में अहंकार की भावना उठती है, इसलिए सेवा और स्मरण साथ साथ होने चाहिए। क्योंकि कई लोग खूब सेवा करते हैं परंतु उनके मन में यह भावना घर कर जाती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सबसे पहले परमात्मा को याद करो, स्मरण और प्रार्थना करो, संतों के चरणों में शीश झुकाओ, नम्रता सीखो, फिर जाकर सेवा करो। हाँ, तो नरोत्तम लोकनाथ से शिक्षा ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक दिन लोकनाथ नरोत्तम से कहते हैं, तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम तीर्थ यात्रा पर निकलो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उन दिनों तीर्थ स्थान बहुत सुंदर और पावन होते थे। वहाँ सच्चे साधु महात्मा रहते थे, जिनके दर्शन करके लोग धन्य हो जाते थे। इसलिए लोकनाथ नरोत्तम को तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन उससे पहले लोकनाथ नरोत्तम को उनके माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। भारत के ऋषि मुनि जिज्ञासुओं को सदा माता पिता का आशीर्वाद लेने की सलाह देते थे, क्योंकि जब हम माता पिता के आशीर्वाद से अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। नरोत्तम भी अपने गुरु की आज्ञा मानकर माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़ते हैं। गुरु से विदा लेते समय नरोत्तम की पलकें भीग जाती हैं। उधर नरोत्तम के पिता राजा कृष्णानंद अपने पुत्र की खोज करते करते निराश हो गए थे। राजा और रानी ने तो यहाँ तक मान लिया था कि नरोत्तम अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए राजा ने घोषणा कर दी कि उनके देहांत के बाद उनके राज सिंहासन पर उनका भतीजा बैठेगा। तभी नरोत्तम एक दिन वहाँ आ पहुँचते हैं। महल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर नरोत्तम श्री कृष्ण की महिमा का गीत गाते हैं। रात का समय था, तभी उनकी माँ जो महल में बैठी थी उसके कान में गीत के स्वर पड़ते हैं। वह मन ही मन कहती है, ये कौन इतनी सुरीली आवाज़ में गीत गा रहा है, मुझे तो यह मेरे पुत्र नरोत्तम की आवाज़ लग रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान की लीला विचित्र है। माता और पुत्र के दिल की तार किस कदर जुड़ी रहती है। आधी रात का समय था, रानी चौकीदार से कहती है, महल के द्वार पर जो युवक गीत गा रहा है उसे मेरे कक्ष में ले आओ। तभी चौकीदार कहता है, आधी रात के समय मैं एक भिखारी को महल में कैसे ला सकता हूँ। नरोत्तम जो एक राजकुमार थे, उनके कपड़े फटे हुए और पैर मैले थे, किंतु उनका मुख तेजस्वी था। रानी चौकीदार से कहती है, तुम उसे अंदर ले आओ। चौकीदार नरोत्तम को रानी के पास ले आता है। रानी चौकीदार को जाने के लिए कहती है। उसके बाद वह तुरंत अपने पुत्र को पहचान लेती है। वह नरोत्तम को प्यार करती है। नरोत्तम की पलकें भीग जाती हैं। फिर रानी पानी लाती है और नरोत्तम के पैर धोती है। उसके बाद नरोत्तम रानी से कहते हैं, अब मैं जाना चाहता हूँ। इस पर रानी कहती है, इतने सालों बाद आए हो और जाने की बात कर रहे हो। इतने में एक सेवक राजा को वहाँ लेकर आता है। राजा भी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वह नरोत्तम से कहता है, देखो अब मैं विरध हो चला हूँ, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, अब तुम राज सिंहासन पर बैठो ताकि मैं अपने जीवन
के शेष वर्ष प्रभु के स्मरण में गुजारूं। तब नरोत्तम कहते हैं, मैं राज सिंहासन लेकर क्या करूंगा? राजा कहता है, नरोत्तम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर नरोत्तम कोई उत्तर नहीं देते। राजा नरोत्तम को बहुत समझाने की कोशिश करता है, किंतु नरोत्तम उनकी एक नहीं मानता। थक हार माता पिता उनसे कहते हैं, अच्छा कुछ दिन यहीं ठहर जाओ। नरोत्तम कहते हैं, नहीं, क्योंकि एक सन्यासी के लिए महल में दो दिन से अधिक रहना मुनासिब नहीं है। मैं महल के बाहर एक कुटिया बनाकर रहूँगा और प्रतिदिन महल में आकर आपसे आशीर्वाद लूँगा। राजा और रानी यह सुनकर कहते हैं, चलो ये भी ठीक है। राजा तुरंत नरोत्तम के लिए एक कुटिया बनवाता है। नरोत्तम उस कुटिया में रहने लगते हैं और दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। अब नरोत्तम प्रतिदिन महल में जाकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते हैं। एक दिन वे अपने पिता से ज्ञान गोष्ठी करते हुए कहते हैं, पिताश्री मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एक उत्सव होना चाहिए जिसमें हरि नाम की धूम होनी चाहिए और साथ ही साथ गरीबों की सेवा होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों के दिल में प्रभु को पाने की चाह है वे इस उत्सव में आकर लाभ उठा सके। पिता कहते हैं, नरोत्तम तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। तुम कुछ दिनों की बात कर रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पूरा एक महीना उत्सव करना चाहता हूँ, जहाँ हरि नाम की धूम के साथ साथ गरीबों की खूब सेवा हो। मैं दूर दूर लोगों को निमंत्रण भेजूँगा। मैं ऐसा उत्सव करूँगा जो पहले कभी यहाँ हुआ ही नहीं है। हरि नाम का उत्सव तो आत्मा का पोषण करता है, फिर चाहे इस उत्सव में कितना भी खर्च हो कम है। राजा बड़ा उत्सव करता है, बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित करता है। उत्सव में नरोत्तम अपने हाथों में करताल लेकर हरि बोल की धुन्नी लगाते हैं। सब लोगों की आंखें नरोत्तम पर टिकी थीं। जब नरोत्तम अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने दो ब्राह्मण पुत्रों को देखते हैं। युवक उनसे कहते हैं, कृपया आप हमें मंत्र दीक्षा दें। नरोत्तम उन्हें मंत्र दीक्षा देते हैं। नरोत्तम जाति से क्षत्रिय थे और वे ब्राह्मणों को मंत्र दीक्षा देते हैं। जब ब्राह्मण युवक घर आते हैं यह सुनकर पिता आवेश में आ जाता है। वह कहता है, यह नरोत्तम कौन होता है मंत्र दीक्षा देने वाला? एक क्षत्रिय होकर चला है ब्राह्मणों को मंत्र दीक्षा देने। पिता अपने दोनों पुत्रों से कहता है, तुम मुझसे दूर हो जाओ। इस पर पुत्र पूछते हैं, पिताश्री हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप हमें दूर जाने के लिए कह रहे हैं? इस पर पिता कहते हैं, हम ब्राह्मण हैं और तुमने एक क्षत्रिय को अपना गुरु बनाया है, यही तुम्हारा पाप है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। तब पुत्र कहते हैं, जिसके जीवन में दिव्य ज्योति का प्रकाश हो उसकी जाति पर ध्यान देना बेकार है। अपने पुत्रों की बात सुनकर पिता को और भी क्रोध आ जाता है। वह अपने पुत्रों से कहता है, दोनों निकल जाओ यहाँ से। पिता की बात सुनकर दोनों भाई भागने लगते हैं और पिता भी उनके पीछे भागता है। भागते भागते वे नरोत्तम के पास आ पहुँचते हैं। अब युवकों के पिता नरोत्तम को कई अपशब्द कहता है, उनका अपमान करता है, लेकिन नरोत्तम फिर भी उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। मन का मान त्यागो साधो, मन का मान त्यागो। नरोत्तम एक राजकुमार और वह एक साधारण ब्राह्मण, फिर भी देखिए नरोत्तम की नम्रता। वे ब्राह्मण के चरणों में शीश झुकाकर कहते हैं, कृपया
आप मेरा अपराध क्षमा करें। नरोत्तम के मुख से ये शब्द सुनकर ब्राह्मण का दिमाग कुछ ठंडा होता है। अब वह मन ही मन सोचता है, मैंने इसका अपमान किया और उल्टा ये ही मुझसे क्षमा मांग रहा है। अब वह चुपचाप नरोत्तम के आगे शीश झुकाकर घर लौट जाता है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि नरोत्तम एक सच्चे साधु है। ब्राह्मण तो जात पात के भेद में उलझा हुआ है। जब ब्राह्मण घर लौटता है तो उसका एक पंडित मित्र जो विद्वान था उसके पास आता है। बातचीत के दौरान ब्राह्मण पंडित से कहता है कि नरोत्तम एक नेक इंसान है, उसका जीवन निर्मल है, पवित्र है, किंतु तुम मेरे पुत्रों को जरा समझाओ कि वे नरोत्तम से दूर ही रहें। नरोत्तम एक क्षत्रिय है और हम ठहरे ब्राह्मण। इस पर पंडित कहता है, यदि तुम्हारे पुत्र एक दो दिन मेरे पास रहें तो मुझे उनसे कुछ बात करने का अवसर मिलेगा। इस पर ब्राह्मण कहता है, ठीक है, तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। पंडित दोनों भाइयों को अपने साथ ले जाता है। फिर रात के समय वह उन्हें बताता है कि जात पात को लेकर शास्त्रों में क्या लिखा गया है, लेकिन वे दोनों भाई कहते हैं, हम ये बातें नहीं जानते, हम तो केवल एक कृष्ण भक्ति को ही सब कुछ मानते हैं। इस पर पंडित कई शास्त्र खोलता है, उन्हें बहुत समझाता है। जात पात को लेकर पंडित और दोनों भाइयों के बीच खूब बहस होती है। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो ब्राह्मण के दोनों पुत्र भजन कीर्तन करते हैं। भजन में श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। प्यारे भाइयों और बहनों,
दोनों भाइयों के मुख से श्री कृष्ण की महिमा के गीत सुनकर पंडित मंत्र मुग्ध हो जाता है। पंडित कहता है, मैं रात भर इनसे बहस करता रहा, ये फिर भी इतने शीतल हैं और कितने मधुरता से गीत गा रहे हैं। जब ये इतने मधुर हैं तो इनका गुरु तो और भी मधुर होगा। अब तो मैं भी नरोत्तम के दर्शन करने जाऊंगा। वह ब्राह्मण पुत्रों से कहता है, क्या नरोत्तम मुझे दर्शन देंगे? वे दोनों कहते हैं, क्यों नहीं, हमारे गुरु तो बड़े ही विनम्र हैं। चलो अभी हम आपको उनके पास ले चलते हैं। उसके बाद तीनों नहा धोकर नरोत्तम के पास आते हैं। पंडित नरोत्तम को देखते ही उन पर मोहित हो जाता है और उनके चरण पकड़ लेता है। अब पंडित भी उनसे मंत्र दीक्षा लेता है, वह भी उनकी सेवा में लग जाता है। इसी तरह नरोत्तम ने कई लोगों को श्री कृष्ण की ओर आकर्षित किया और अपना जीवन सफल किया। ओम शांति शांति शांति।